9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है नरेंद्र मोदी सरकार का, कैसा कार्यकाल आप लोगों के, आम लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आया इन 9 सालों में? एक साल से भी कम का समय है लोकसभा चुनाव में, तो 2024 में कुछ बदलाव होगा? अब ये सरकार जाने, हम तो नहीं देंगे इस बार भाजपा को, सरकार को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। 2024 के चुनाव में कुछ बदलाव होगा? हाँ, अखिलेश आएंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश। अखिलेश मोदी सरकार दोबारा आएगी? ये तो देखो, अब जनता चाहेगी तो आएगी, बाकी गरीब आदमी तो नहीं चाह रहे। क्यों गरीब आदमी नहीं चाह रहा? नहीं। 9 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का कैसा रहा, आपके जीवन में क्या बदलाव आए? अब भैया अब क्या करा जाए, महंगाई तो है ही अब। अच्छा, 2024 के चुनाव में कुछ बदलाव होगा? अब देखो, अभी तक नहीं कुछ हुआ, तब का होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस। देश में लोकसभा चुनाव होने में मात्र एक साल से भी कम का समय बचा हुआ है। केंद्र में मौजूद मोदी सरकार ने 9 साल के कार्यकाल अपना पूरा कर लिया है, और एक तरफ सरकार बड़े बड़े होल्डिंग और पूरे प्रदेश में होल्डिंग लगा के दावा कर रही है कि 9 साल बेमिसाल, और दूसरी तरफ विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि इस समय महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। तो यहाँ मौजूद हम लोगों से, आम लोगों से जानेंगे कि 9 साल का कार्यकाल मौजूदा सरकार का कैसा रहा, और उनके जीवन में इन 9 सालों में क्या बदलाव आए हैं। 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है नरेंद्र मोदी सरकार का, कैसा कार्यकाल रहा आप लोगों के, आम लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आया इन 9 सालों में? अरे ठीक ही रहा है, जो भी है इनका सब ठीक ही रहा, चल रहा है सब ठीक चल रहा है। महंगाई बेरोजगारी कुछ? हाँ महंगाई तो है, महंगाई है। हाँ महंगाई तो है। अब एक साल से भी कम का समय है 2024 के चुनाव में, आने वाले चुनाव में कुछ बदलाव होगा? अब जो सरकार करेगी वो देखा है, बदलाव तो आना चाहिए। केंद्र की सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, मौजूदा सरकार के 9 साल में जीवन में आपके क्या बदलाव आए हैं, कैसी रही है, कैसा रहा इन 9 साल का कार्यकाल? ठीक रहा भाई साहब, ठीक रहा है। कुछ बदलाव आपके भी जीवन में आए हैं? नहीं, कोई बदलाव नहीं। महंगाई बेरोजगारी का कितना बड़ा मुद्दा है? कुछ नहीं है, महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है, 10 रुपए किलो आम बिक रहा, महंगा कहाँ है? टमाटर, टमाटर तो कोई खाता ही नहीं है, बच्चे खाना बंद कर दिए। अच्छा, और बच्चे टमाटर खाना बंद कर चुके हैं? जब ले नहीं जाओगे तो खाना तो बंद हो ही जाएगा। तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है इस समय। 9 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया है, इन 9 साल के कार्यकाल में आपको कैसा रहा है, और आपके जीवन में कुछ बदलाव आया इन 9 सालों में? बिल्कुल नहीं, कोई बदलाव नहीं है सर, हमारे लिए तो कोई नहीं है, हम लोगों ने तो बिल्कुल परेशान है हर चीज़ से, हर महंगाई से, हर सामान से, हर तरह से परेशान। महंगाई है? है। टमाटर 120 रुपये किलो कभी बिका था जिंदगी में, ये सब हम लोग। अच्छा, 2024 के चुनाव में कुछ बदलाव होगा? हाँ, अखिलेश आएंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा, आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है? नहीं, बदलाव नहीं। महंगाई है। तो 2024 के चुनाव में बदलाव होगा? नहीं, बदलाव नहीं है। बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? यही योगी बनेंगे। यही मोदी बनेंगे। योगी तो मुख्यमंत्री है। योगी तो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी, नरेंद्र मोदी। 9 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी का पूरा हुआ है, और आप लोग गृहिणी हैं, परिवार चलाती हैं, परिवार चलाने में इस समय कितनी आप लोगों कितनी कठिनाइयां हैं और कितनी आसानी? क्या करें, बहुत ज़्यादा कठिनाइयां हैं, बहुत परेशान। किस तरह की कठिनाइयां आ रही? बहुत परेशानी हो रही है। अब क्या कर, सुबह से करके चले आ रहे हैं चौका बर्तन। अच्छा, और महंगाई है इस समय? महंगाई बहुत महंगाई है भैया, बहुत महंगाई बहुत अधिक है। सिलेंडर तो कुछ पूछिए ना। अच्छा, फ्री उरी मिल रहा है कि नहीं? राशन तो मिल रहा है ना, 5 किलो फ्री? नहीं, राशन से क्या होता है, 5 किलो में कहाँ महीना पूरा होता है भाई। क्या कह रहे हैं, 5 किलो राशन देता है तो 1400-1500 रुपए गैस बुक तो कर दिया अगले ने। अच्छा, उसमें फ्री क्या मिल रहा है हमको, हमारे से फालतू लेता आपको, अपना 5 किलो देता है। जो बड़ा बड़ा होल्डिंग लगा के पूरे, उसमें बताया जा रहा है कि 9 साल बेमिसाल, जनता खुशहाल, तो आपके लिए बड़े आदमियों को खुशहाल दिखता है, छोटे ना थोड़ी ना दिखता है। छोटे आदमियों के लिए कोई काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ, आवाज तक भी नहीं। 2024 के चुनाव, इसका झोपड़ा मर गया उसका इशारा क्या, जिसके 2 मंजिला बने उसको आवाज भी मिल गया है। 2024 के चुनाव में एक साल से भी कम का समय है, तो 2024 में कुछ बदलाव होगा? बहुत बदलाव होगा। कौन बने? अब देखो कौन बनेगा, तो हम कह नहीं सकते। मोदी सरकार दोबारा आएगी? ये तो देखो, अब जनता चाहेगी तो आएगी, बाकी गरीब आदमी तो नहीं चाह रहे। क्यों गरीब आदमी नहीं चाह रहा? नहीं। आंटी जी,
आप लोग गृहिणी हैं और परिवार और रसोई चलाने का जिम्मा आप लोगों का होता है, इस समय कितना बड़ा चैलेंज है रसोई चलाना? बहुत दिक्कत हो रही है। किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? अरे इतनी सब्जियां महंगी, 20 रुपए की तरोई 60 रुपए में, तो हम लोग घर कैसे चलाएं? स्कूल खुलना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दुनिया का खर्चा कैसे चलाएं? 8-10 हज़ार कमाने वाला आदमी खर्चा नहीं चला पा रहा है। सरकार तो कह रही महंगाई उंगाई कोई मुद्दा है नहीं? महंगाई नहीं, महंगाई हमारे लिए तो महंगाई है, सरकार की क्या कह रही है? दाल वाल सब महंगा, हर चीज तो महंगा है भैया, गैस महंगा है। अभी योगी जी ने कहा था कि साल में दो सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, फ्री मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है, कार्यवाही पे है सिलेंडर, फ्री नहीं मिल रहा, फ्री कुछ नहीं है, कुछ नहीं फ्री। किलो राशन तो मिल रहा है ना? बातों उससे क्या होता है, खेत में जाने क्या कह रहे हैं? राशन का बदला तो राशन दे रहे हैं, तो इसीलिए सब चीज महंगा कर रहे हैं। सरकार से ये बोलिए जाके आप, अजय तो परेशान है, एक साल से भी कम का समय है लोकसभा चुनाव में, तो 2024 में कुछ बदलाव होगा? अब ये सरकार जाने, हम तो नहीं देंगे इस बार भाजपा को सरकार को वोट, बिल्कुल नहीं देंगे। किसे वोट देंगे? अब जिस जो आएगा नया हमारे लिए अच्छा काम करता है, भाजपा वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, हमें नहीं समझ में आ रही है सरकार। सपा कांग्रेस हाँ ये लोग तो फिर अच्छे कारोबार करे हुए, इतनी महंगाई तो नहीं थी, बेरोजगारी तो नहीं थी। किसे सपोर्ट करेंगे इस बार? अरे जब मोहल्ला वाले जिसको सपोर्ट करी है तो दिया जाए, जगह है कि नहीं? भाजपा सपोर्ट नहीं करेंगे? अब कहा पता भैया, उतनी समय बदल जाए है ना, उतनी समय बदल जाए। आप बढ़िया नेता, सबसे बढ़िया नेता कौन है? अब हम क्या बताए थी जो हूँ, अखिलेश हैं, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, योगी, जो आप जय आवाते तो वैसे निकल गए ना, जय आवाते तो। जीवन में आप लोगों कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं 9 सालों में इधर? आप लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आया है? अब ये महंगाई आवा है और कहा है काका, इस समय 9 साल हो गया है केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, और एक साल से भी कम का समय है इस समय, और इस समय सरकार दावे कर रही है कि हमने बहुत बड़े काम कर दिए हैं और लोगों के जीवन में खुशहाली है और इसमें अच्छे दिन आ गए लोगों में, आपके जीवन में कितने अच्छे दिन हैं और आपका जीवन कितना खुशहाल हुआ और कितना क्या बदलाव आया है? कोई खुशहाल नहीं भैया, परेशानी चल रही, कोई खुशहाली नहीं। क्या परेशानी? बहुत परेशान है, महंगाई इतनी है, कमाई धमाई कुछ है नहीं, सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है साल में 2 ठो और 5 किलो राशन मिल रहा है, तो फिर राशन मिल रहा, सिलेंडर के तो भाव बढ़ गया, 1200 सिलेंडर 1200 में पहुंच गया, टमाटर कहाँ 160 में पहुंच गया है, महंगाई है, महंगाई बहुत है। तो अब की बार 2024 में कुछ बदलाव होगा? अब 2024 है फिर देखा जाए। प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री रहेंगे या बदलाव आएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी रहे, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, ठीक है, महंगाई होगा कोई मुद्दा नहीं? नहीं। चलिए, 9 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का कैसा रहा, आपके जीवन में क्या बदलाव आए? हमें भैया बदलाव तो निकल चुका, बदलाव निकल चुका और क्या, जब बदला था नोट बदली हुई थी उसके बाद से भी कष्ट ही कष्ट है। 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है? राशन कह तो रहे 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है, साल में 2 सिलेंडर फ्री मिल रहा है, किसको मिला है, किसी को मिला है? अब जिसको तो मिला आएंगे, किसको मिला, हम तो सरकार भाई, हमको तो मिल नहीं रहा यार। यहीं से आप जब यहीं से आप बाहर निकलेंगे तो हर चौराहे पे लिखा हुआ है 9 साल बेमिसाल, जनता खुशहाल। अब क्या खुशहाली आई आप लोगों के जीवन में, कुछ खुशहाली आई है कि बस ऐसे ही पोस्टरों में ही चल रहा है? यार हर आदमी तो रोता रहता है यार, हर आदमी तो गाली बकता है महंगाई के लिए। 2024 में कुछ बदलाव होगा अब देखा जाएगा भाई, क्या करें, होगा तो हो जाएगा फिर। राहुल गांधी कैसे नेता? राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी भी अच्छे हैं, लेकिन अब क्या है प्रॉब्लम उनकी, अब वो जाने क्यों ये सब, क्यों बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, महंगाई क्यों हो रही है, अब वही बता सकते हैं, बेरोजगारी। आप लोग गृहिणी हैं और घर का रसोई के जिम्मा आप लोगों का होता है, इस समय रसोई चलाना कितना चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए? अरे भैया कहा बताए, बड़ी महंगाई है और कहा महंगाई है तो और क्या, क्या कहेंगे आंटी जी, कितना चैलेंजिंग है रसोई चलाना? महंगाई है तो जैसे उसी हिसाब से खर्च चलाना पड़ रहा है। 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना? तो बहुत मिल रहा है, वो तो भाई साल में 2 सिलेंडर मिल रहे हैं, 5 किलो राशन मिल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं और क्या कहेंगे अब भैया, अब क्या करा जाए, महंगाई तो है ही। अब 2024 के चुनाव में कुछ बदलाव होगा? अब देखो अभी तक नहीं कुछ हुआ, दबका होगा।